हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टी क्रिएशन। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टू डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन की कुछ ऐसी इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे टू डिजिट का मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप कोई भी टू डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया है 19 मल्टीप्लाई बाय 18। तो सबसे पहले इसके आगे 3 लगा लीजिए। अब आपने फर्स्ट फिगर की वंस को सेकंड फिगर की वंस के साथ मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट फिगर के टेंस को सेकंड फिगर के टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 9 × 8 = 72। तो आपने 2 इस कॉलम में लिखना है और 7 कैरी करना है। देन नाउ 1 × 1, नाउ 1 आपने यहाँ पे लिख देना है। नाउ अब क्या करना है, फर्स्ट डिजिट के वंस को सेकंड डिजिट के टेंस के साथ और फर्स्ट डिजिट के टेंस को सेकंड नंबर के वंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 × 8 एंड 9 × 1, दोनों को प्लस कर लिया, आया 17। अब 17 का 7 यहाँ लिख देना है और 1 कैरी कर लेना है। अब इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे 14 का 4 लिखा और 1 आगे नेक्स्ट कैरी कर लिया। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, देन 1 + 1 + 1 3, देन द आंसर इज 3, 4, 2। अब एक एग्जांपल और लेके देखिए। अब मैंने लिया है 65 मल्टीप्लाई बाय 23। सेम अगेन 3 ब्लैंक्स डालिए, देन फर्स्ट डिजिट वंस को सेकंड डिजिट के वंस के साथ और फर्स्ट डिजिट टेंस को सेकंड डिजिट के टेंस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। देन 5 × 3 = 15, देन 5 हेयर एंड 1 कैरी, एंड 6 × 2 = 12। 12 को आपने सबसे फर्स्ट कॉलम में लिख देना है। अब जो फर्स्ट डिजिट का वंस है उसको सेकंड डिजिट के टेंस के साथ और जो फर्स्ट डिजिट का टेंस है उसको सेकंड डिजिट के वंस के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को फिर प्लस कर देना है। अब 28 का 8 लिखना है यहाँ पे और 2 कैरी कर लेना है। अब 1 + 8 = 9 एंड 12 + 2 = 14, देन 1 = 4 = 9 = 5 इज द आंसर। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे अब मैंने 96 मल्टीप्लाई 37, सेम अगेन, देन वंस डिजिट इनटू वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट मल्टीप्लाई टेंस डिजिट ऑफ सेकंड नंबर, 6 × 7 = 42। 2 को यहाँ लिख दिया एंड 4 को कैरी कर लिया। देन 9 × 3 = 27, 27 को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। अब वंस डिजिट को टेंस के साथ और टेंस डिजिट को वंस के साथ, 9 × 7 = 63 एंड 6 × 3 = 18, दोनों को प्लस कर दिया। अब 81 का 1 यहाँ लिख दिया और 8 कैरी कर लिया, दोनों को प्लस करके इस यहाँ पे लिख दिया और इनको प्लस करके यहाँ लिख देना है। देन दिस इज द आंसर। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी सॉल्व हो जाता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अब ये एक मैं आपके लिए दे रही हूँ, आपने इसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करके बताना है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।